गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 29th of March 2023। डॉलर इंडेक्स अभी 102.58। कल और परसों दो दिन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, फ्रॉम 103.20 टू 102.40 टाइप्स। जो इमीडिएट सपोर्ट है एट द लो ऑफ 23rd मार्च पिन बर, विच इज एट 101.90। ये पिन बार के लो के नीचे वी में एक्सपेक्ट 101.50 से 102.00, 101.50 एंड 101.00। सो दिस लेवल दैट इज 101.91 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ क्रूशियल लेवल्स। एंड तब तक हमें थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन ऑन द हायर साइड 103.50, basically 103.50 से 103.70 on the higher side and on the lower side 101.90 से 102.00, इसके बीच में ही मूव करना चाहिए। डॉलर रुपी कल थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखा गया था एंड अभी ये 82.23 दिख रहा है। यहाँ पे आपका साइडवाइज एक्सपेक्टेड ऑन द हायर साइड 80 से 83.00 एंड ऑन द लोअर साइड आपका 82 से 82.10 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। रेस्ट ऑफ द मंथ बोले तो ओनली टू ट्रेडिंग डेज आर देयर। जीबीपी डॉलर कल अच्छा खासा बाउंस बैक किया एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2278 एंड 1.2349, करेंटली एट 1.2325। हमारा जो देखने वाला चीज था ऑन ए डेली बेसिस आरएसआई को कब तक रेस्पेक्ट कर रहा है। थ्री केसेस था, आप यहाँ पे एक बार देखोगे जहाँ पे रेस्पेक्ट किया, फिर दूसरा बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, अभी ये यहाँ पे अटका हुआ है। इस जगह के बाद क्या आरएसआई आपका 60 में सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ये हमें देखना पड़ेगा। एक नज़र आपका वीकली में डाल लेते हैं। वीकली में हेडिंग टूवर्ड्स 60, डेट बिंग द केस ये जो रेड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है एट 1.2450 से 1.2475, ये जोन में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। GBP INR ये भी ऑन द रेजिस्टेंस जोन में टाइम पास कर रहा है। रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, ये 101.30 से 101.75 के बीच में। इसको इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा अगर फर्दर अप्रिशिएट करते हैं तो। यूरो डॉलर इन कंपैरिजन टू जीबीपी डॉलर थोड़ा सा सॉफ्ट है, बिकॉज जीबीपी डॉलर में आप देखोगे ये ऑलरेडी रिसेंट स्विंग हाई पे ही है, और इस यूरो डॉलर आपका 23rd मार्च के हाई के नीचे चल रहा है। अभी आप देखोगे 23rd मार्च का हाई एंड 24th मार्च का लो एक जोन बन चुका है। प्राइस कुछ टाइम के लिए इसके अंदर में ही टाइम पास करेगा बिफोर इट इज ब्रेकिंग आउट ऑन आइदर साइड। क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ RSI daily is taking resistance at 60. Euro INR ये भी similarly 23rd का high and 24th के low के बीच में ही अटका हुआ है and RSI is respecting 60 lines. That being the case, हमें इंतजार रहेगा कि क्या ये आपका high को breakout करता है या low को breakdown करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर येन आपका 24th मार्च का एक पिन बार बनाया हुआ है, उसके बाद एक बुलिश फॉर्मेशंस हो रहा है। ये जो बुलिश फॉर्मेशंस हो रहा है प्राइस एक्शंस में, इसके बाद देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर येन में टेस्ट द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। ये यहां पे जाने के बाद क्या ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा या ब्रेकआउट करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। दैट बीइंग द केस, येन आईएनआर थोड़ा सा सॉफ्ट होने का
पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे आपका हायर पॉसिबिलिटीज है कि ये सेंटर बैंड को टारगेट किया करे। सो इट इज एक्सपेक्टेड 61.6080 मे बी द नेक्स्ट टारगेट। अभी है 62.44, सो अनदर 80 पिप्स का एक डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन ए डेली बेसिस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी आपका जो रेंज था ऑन द हायर साइड 136.5 सॉरी ऑन द लोअर साइड 136.50 एंड ऑन द हायर साइड 138.00 इस रेंज को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ चुका है। जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है आपका 135। इसको यूके ऑयल के साथ देखते हैं। यूके ऑयल में भी अच्छा खासा बाउंस बैक किया है फ्रॉम द लो। अभी जो 79.50 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए गुड रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, प्राइस नीचे आने के बाद अभी सेंटर बैंड में जाके रुका है। दैट बीइंग द केस क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा? इन सच ए केस डेली वर्सेस आवर्ली का एक हमारा ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का सेटअप बन सकता है। इन सच ए केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये एक इसके लो के नीचे जैसे कंफर्म करेगा, अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं, इसके लो के नीचे कंफर्म करेगा, इसके बाद लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करेगा। इन सच ए केस आपका यूके ऑयल का ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का सेटअप आ सकता है एंड दोबारा ये 72.50 की तरफ जा सकता है। क्या कंडीशन है, क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं, कंफर्मेशन कैसे आएगा? आवर्ली बेसिस पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा एंड आवर्ली बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो और प्राइस एक्शंस दिखाना पड़ेगा। $80 आपका कंसोलिडेशन जारी है। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 67.50 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से ले रहा है। बट इक्वली इम्पॉर्टेंट जो हमारा देखने वाला बात है कि RSI 40 के आसपास सपोर्ट लेके रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये रेंजशिप तभी कंफर्म होगा जब ये रेजिस्टेंस लाइन जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। एंड टू बी स्पेसिफिक ये जो ट्विजर टॉप का हाईज है इसके हाई के ऊपर क्लोज देगा। क्या ये आने वाले दिनों में होता है ये हमें देखना पड़ेगा। $80 कंसोलिडेट कर रहा है आपका सेंटर बैंड के नीचे। ऑन टू बी प्रेसाइज ये जो आपका 13 मार्च का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में दोबारा टाइम पास कर रहा है। एक आपका 23 मार्च को ब्रेक डाउन किया था बट नेक्स्ट डे इमीडिएटली ये आपका मदर कैंडल का 13 मार्च का मदर कैंडल का जो रेंज है उसके अंदर में आके रुक गया है। दैट मीन द केस हमें देखना है कि ये सेंटर बैंड कब तक ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। US 10 ट्रेजरी फ्रॉम द लो एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है आपका 3.29 से अभी है 3.575। दैट बीइंग द केस ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल। क्या ये सेंटर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। US 10 ईयर ट्रेजरी 2 ईयर ट्रेजरी जो है वो भी आपका 3.56 से अभी है 4.105। तो यहाँ पर भी क्या ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ रेजिस्टेंस सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ डाउन मूव करेगा ये हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ आपका जो डिफरेंस है बिटवीन द आपका US 10 ईयर एंड 2 ईयर अभी पहले जो 40 बेसिस पॉइंट्स था अभी ये 47 बेसिस पॉइंट्स का 53 बेसिस पॉइंट्स का हो चुका है। सो अगेन ये स्प्रेड बढ़ रहा है। इसके ऊपर हम एक रेगुलर बेसिस में नजर रखेंगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल्सो जिन लोगों को जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।